हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द यस्टरडेज लेक्चर। अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। पिछले हफ्ते के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए, उनको हम दो पार्ट्स में कवर करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। माई नेम इज़ रोहित गर्चा, दिस इज़ अभिमन्यु IAS which has more than 25 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive selections since 1999. Let's begin the lecture and for complete course, watch till the end of the video, jahan pe main aapko detail mein bataunga ki what the master course of current affairs 2024 is all about. Right now, sit attentively, try to understand each and everything. Let's begin. Subvention. चलें जी आगे। अब इजी रह गया, अब ज्यादा कुछ नहीं है। एक टॉपिक इंटरेस्टिंग भी आएगा बीच में। यार बीच में पानी पुनी क्यों नहीं पीते तुम लोग? थोड़ा हाइड्रेटेड रहोगे तो मतलब यू नो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको भी। स्टे हाइड्रेटेड, एनर्जी बनी रहती है थोड़ी सी बॉडी में ना। और आप लोग जिस टाइप का काम करते हो, आपकी आप बैठे रहते हो एक दिन एक जगह पे सारा टाइम, पढ़ने वढ़ने वाला काम, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखोगे बेटर फंक्शन करती है बॉडी, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। आइए बच्चे, लीड्स 2023 रिपोर्ट। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, लॉजिस्टिक्स की परफॉर्मेंस के ऊपर एक रिपोर्ट आती है ये, राइट, एंड इट्स एन एनुअल रिपोर्ट। एक ना लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है LPI, उसके बारे में भी हम उस रिपोर्ट को भी हम डिस्कस करते हैं। LPI कौन देता है? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, बिल्कुल उसी का एक तरह से वहाँ से इंस्पायर होके, वहाँ से कॉपीड है ये पूरा, इसके सारे पिलर्स और मोस्टली इसके जितने भी डायमेंशंस हैं। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वो ग्लोबली आता है कि ग्लोबली लॉजिस्टिक्स में क्या चल रहा है। बट गुड गेस, वो भी नहीं है, ये टेढ़ा है थोड़ा सा। हमने जब करा था ना LPI तो भी मैंने आपको बोला था कि ये आप इन्हीं में कन्फ्यूज हो गए। मेरे को तो WTO ही लगा था कि या फिर WTO बोलोगे, बट UNCTAD इज गुड गेस। वर्ल्ड बैंक ग्रुप टेड है, अलग है। बच्चा इसमें ना तीन कैटेगरीज हैं जो जिसके अंदर हमने मतलब अवार्ड दिए हैं, दैट इज योर अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स। ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे वो, थर्ड नंबर पे वो, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इनफैक्ट सिर्फ हिमाचल वाले ही इसको याद करें कि कौन सी स्टेट का क्या रैंक है किस कैटेगरी के अंदर। एंड वो भी ज़्यादा नहीं करना, अपने टॉप टॉप रैंकर्स बस देखने कि UT में टॉप रैंक में कौन है, स्टेट में टॉप रैंक में कौन है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर बस, ठीक है। ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। आइए बच्चे इवेल्यूएशन क्राइटेरिया देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स पता है ना, इफ आई वॉन्ट टू शिप एनी थिंग तो एंड टू एंड बीच में जो कुछ भी लगेगा वो सारा लॉजिस्टिक्स में आता है, ठीक है। इफ आई एम ऑर्डरिंग अ पीस ऑफ पेन तो फैक्ट्री से लेके मेरे डोर तक है ना, जैसे वो आएगा वो सारी चीज़ को लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। ई कॉमर्स बेसिकली जिस रास्ते से वो प्रोडक्ट्स आते हैं उसको लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। अपने आप में पूरी एक इंडस्ट्री है, इनफैक्ट कुछ स्टेट्स ने लॉजिस्टिक्स को इंडस्ट्री का दर्जा दे रखा है। देर आर सर्टेन जो अच्छी वाली स्टेट्स है ना, राइट, जहाँ पे रैंक वगैरह अच्छा है, तो उन्होंने लॉजिस्टिक्स को एक इंडस्ट्री मान लिया अलग से, राइट, तो टू प्रमोट देम कि ये अलग से एक अपने आप में एक इंडस्ट्री है। आइए, और PM गति शक्ति और ये सब इसी को प्रमोट करने के लिए आ रही हैं स्कीम्स। तो बनाओ कहीं पे भी, वो पहुँचना चाहिए कंज्यूमर तक। वो कैसे पहुँचेगा? लॉजिस्टिक्स के थ्रू। आइए बच्चे,
इवेल्यूएशन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन थ्री की पिलर्स, नंबर वन इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर टू सर्विसेज, नंबर थ्री ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। और ये स्टेट्स वगैरह के अंदर ना ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तीन कैटेगरीज है ना, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मेंस कैटेगरी इन द लीड रिपोर्ट, है ना, इस टाइप का सवाल आ सकता है। तो वो एक और कैटेगरी इसके अंदर कुछ डाल देंगे, आउट परफॉर्म कुछ भी, एक्सीलेंस ये वो, इस टाइप का कुछ वर्ड डाल देंगे, अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स, तो ये आपने याद रखना है। चौथा कुछ डाला जा सकता है वहाँ पे, HCS के अंदर भी आ सकता है इस टाइप का सवाल, हिमाचल के अंदर तो अगर डाला तो ये बहुत अच्छा सवाल होगा। ये इस टॉपिक को समझने के लिए बच्चे हम ना LPI के ऊपर एक शॉर्ट नोट डाल लेते हैं कि LPI कौन कौन से तरीकों से आपके लॉजिस्टिक्स की परफॉर्मेंस को नापता है। इससे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है ना, एम आई राइट, कि व्हाट डू वी मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, एंड सोचना पड़ रहा है कि क्या मतलब हो सकता है इसका। आइए LPI डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये वाले इसके क्राइटेरिया बच्चे लीड्स रिपोर्ट के, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज की है। ये देखो बच्चे, उससे पहले ना कि वाई आर वी डूइंग दिस, ये 2022 का क्वेश्चन है, ये पढ़ो इसको एक बार। द गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी, डिस्कस। क्या समझ में आ रहा है इससे, क्या बोलना चाह रहा है ये? पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन, थोड़ा घुसो इसके अंदर। इस क्वेश्चन के ऊपर 8 मिनट में आंसर लिखने के लिए आपको बहुत सारे आंसर लिखने पड़ेंगे इससे पहले, ताकि आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आ जाए कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। डू यू थिंक इट इज एज नैरो एज PPP मॉडल? क्वेश्चन नहीं समझे आप इसका मतलब, आप आंसर पे जंप कर रहे हो, डोंट गेट एक्साइटेड, पढ़ो उसको, समझो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, फिर निकलेगा आंसर, स्टे स्पेंड सम टाइम विद इट, है ना। जिस पे आपका क्रश आया होता है उसका टाइम स्पेंड करने का मन करता है ना, कि ज्यादा देर बैठते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद आपका क्रश उठ जाता है उससे, क्योंकि आपको बंदा समझ में आ जाता है कि यार ये तो ऐसा सही है। स्पेंडिंग टाइम मेक्स यू अंडरस्टैंड, है ना, तो स्पेंड सम टाइम विद इट, फॉर दैट मैटर एनी क्वेश्चन एनी टॉपिक। टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, इसका आंसर नहीं देने वाला हूं मैं, नाम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ये जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि क्या पूछा जाता है मेंस में, और हम ये डिराइव कहाँ से होते हैं टॉपिक्स, वो इन टाइप के टॉपिक्स से डिराइव होते हैं, इस टाइप के टॉपिक्स। ठीक है बच्चे, आओ बच्चे अब देखते हैं।
कि अगर हम अब इसको समझने के लिए हमें लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कि जो हम रैंक दे रहे हैं वर्ल्ड में कंट्रीज को, या तो हम क्राइटेरिया क्या अपना रहे हैं, वहां देखते हैं क्या स्कोप है इस क्वेश्चन का. राइट, गेटिंग माई पॉइंट? समझे मैंने क्या बोला अभी कि जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं वो किन क्राइटेरिया के ऊपर जज हो रहे हैं, उसके बाद में हम फिट करेंगे कि ये क्या पूछ रहा है, कि चर्चा करनी किस पे है. आओ बच्चे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप हमने देख दिया है ना, लिख दिया, आ जाओ. इट स्कोर्स ऑन 6 की डायमेंशंस. वेटेड एवरेज होती है इन सबकी, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. अभी तक यूपीएससी उस लेवल पे नहीं आया है कि सारी वैल्यूज का जीपी लेना है, जीएम ज्योमेट्रिक मीन लेना है, हार्मोनिक मीन लेना है, या फिर अर्थमेटिक मीन लेना है. हर किसी का अलग अलग है, पर यूपीएससी वहां तक पहुंचा नहीं है अभी, तो हम भी नहीं जाएंगे कि वेटेड एवरेज का क्या मतलब है. आओ बच्चे, 6 की डायमेंशंस. नंबर 1, एफिशिएंसी ऑफ द क्लियरिंग प्रोसेस. ये 6 डायमेंशन देखते ही आपके लिए सवाल चेंज हो जाएगा. रुको, आपको एक नया टर्म देता हूं, ब्रैकेट में लिखो स्पीड कॉमा सिंप्लिसिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेलिटीज. ठीक है, जब हम एफिशिएंसी ऑफ क्लियरिंग प्रोसेस की बात करते हैं ना बच्चे, इट्स सब्स्यूम्स ऑल दीज थिंग्स, स्पीड सिंप्लिसिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, कि कोई रैंडमली नया फॉर्म तो नहीं आ गया. ठीक है, तो प्रोसेस शुड बी प्रिडिक्टेबल. तो इसको हम बोलेंगे कि आपका जो क्लियरेंस प्रोसेस है वो एफिशिएंट है. और किसकी बात कर रहा है, किसके पॉइंट पे? इंटरनेशनल की बात है, तो ये कस्टम्स और उस सब की बात कर रहा है. राइट, इंडिया में हम इसको अलग बॉर्डर ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट की बात कर लेंगे, है ना, उस टाइप की बात कर लेंगे, क्लियरेंस की बात कर लेंगे. नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा वैसे है कि क्वालिटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जब लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो यही होगा, जिसमें आपके पोर्ट्स, रेल रोड्स और इन सब की क्वालिटी की बात हो रही है, एंड योर आईटी. राइट, तो वो सब कुछ इसमें आएगा. नेक्स्ट इज ईज ऑफ अरेंजिंग कंपिटेटिवली प्राइज्ड शिपमेंट्स. ऑप्शन होना चाहिए, ईज ऑफ अरेंजिंग कंपिटेटिवली प्राइस्ड शिपमेंट्स. ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज ये समझना, कॉम्पिटेंस एंड क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज. कॉम्पिटेंस एंड क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज क्या होगा मतलब इसका? जो काम कर रहे हैं लोग वहां पे, योर ब्रोकर्स, लिख लो ब्रैकेट में, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, कस्टम्स ब्रोकर्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज एबिलिटी टू ट्रैक एंड ट्रेस. लग रहा है इससे कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी अगर इनमें से हम कुछ कुछ चीजें इंप्रूव करते हैं तो? एबिलिटी टू ट्रैक एंड ट्रेस क्या? कंसाइनमेंट्स. ठीक है, टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी, कि अगर 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवरी की गारंटी है तो 30 मिनट्स में आ जाना चाहिए, या क्लेम मत करो.
यूपीएससी टच करता है इस टाइप के टॉपिक्स को और बार बार टच करता है। ये तो मैंने एक क्वेश्चन निकाला है 2022 का, ये बार 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 टच करता है इस टाइप के सवालों को, ठीक है। तो क्लियर रखना मुद्दा इसके ऊपर, दिमाग एकदम खोल के। अब इसमें अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं भी मेंशन करोगे चलेगा, योर आंसर शुड बी लॉजिकल। मेंशन कर दिया तो मे और मे नॉट, यू मे और मे नॉट गेट एक्स्ट्रा मार्क्स डिपेंडिंग ऑन की कैसे कोट की है, राइट। कोट करने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, जो लोग आंसर्स लिखते हैं, कि कोट मतलब शो ऑफ की तरह कोट करते हो कि देख मेरे को ये भी पता है, आंसर नहीं कर रहे होते हो आप, इट्स जस्ट अ शो ऑफ कि यार देखा देखा मेरे को ये भी पता है। तो वो मत करो, जेन्युइनली जहां पे अगर कहीं पे जरूरत है कोट करने की कोट करो, है ना। मतलब योर आंसर शुड बी जेन्युइन, वो आप मतलब आपकी टेस्टिंग हो चुकी है नॉलेज की प्री में कि आप हो उस लायक के नहीं, इट्स डन। अब वो जानना चाह रहा है आपको उसमें और आपके वो पीटी पर्सनैलिटी टेस्ट में, है ना। पीपल कॉल इट इंटरव्यू बट आई डोंट लाइक इट, इंटरव्यू नहीं है वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो नॉलेज चेक हो चुकी है आपकी, इसमें वो जानना चाह रहे हैं कि आप इसका बताओ जी, हाउ यू प्रेजेंट योर पॉइंट एंड ऑल। तो शो ऑफ मत करना कि मेरे को पता है, न्यूज़ मत देना उसमें। यही दो फीडबैक्स हैं सबके लिए कॉमन। ऑनलाइन भी कुछ आंसर्स चेक किए थे मैंने लास्ट टाइम वाले, ये सॉवरन डेट वाला जो क्वेश्चन था, और आई वॉज अमेज्ड जो ऑनलाइन बच्चों ने आंसर्स भेजे हैं। दो बिल्कुल अलग आंसर आए थे, एक ने कुछ और लिखा एक ने कुछ और लिखा, दोनों एकदम वैलिड, टू डिफरेंट सेट्स ऑफ आंसर और दोनों वैलिड, राइट। तो उसमें कोटेशन की गड़बड़ थी एक दो आंसर्स में, राइट। तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ऑनलाइन बच्चे आप लोग भी। आई एम अगेन गिविंग अ लिस्ट ऑफ इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स, कि इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही है लॉजिस्टिक्स के लिए। जितने पता है वो रहने देना, जितने नहीं पता वो मेंशन कर लो, उसके बारे में पढ़ लेना, शॉर्ट नोट बना लेना। गतिशक्ति, पीएम गतिशक्ति स्कीम, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, ये हम कर चुके हैं सारी चीज़ें क्लास में बच्चे। लीड्स रिपोर्ट, ये तो यही है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ये भी आपको पता होगा फ्रीट कॉरिडोर्स होते हैं अलग से। सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला के साथ में एक और सिमिलर सा प्रोजेक्ट है विच इज़ कॉल्ड भारतमाला प्रोजेक्ट, एंड वन वी हैव एक्ट दैट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1993, मल्टी मॉडल MODAL, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1993, ठीक है बच्चे। एक और क्वेश्चन लिख लो, दोनों में से किसी एक पे आंसर कर लेना आप। अ स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, अ स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री is a key factor of a stronger economy. Is a key factor for a stronger economy. आसान कर देते हैं, full stop, comment. चलें जी आगे, दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख लेना, ठीक है, या दोनों।
या एक भी नहीं जो तुम करते हो हमेशा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अच्छा बच्चे, इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, अभी तक ना इंडिया से जो वुड बाहर जाती है, जो फर्नीचर बाहर जाता है, उसका जो वुड की सर्टिफिकेशन है वो सरकार नहीं कर रही थी, समझो इस पॉइंट को, वो कर रही थी प्राइवेट फॉरेन कंपनीज, राइट। दैट मींस दे आर दी वंस हु आर डिक्टेटिंग कि ये वुड कॉन्फ्लिक्ट से तो नहीं आई है, कॉन्फ्लिक्ट वुड समझते हो ना, हाँ, कि तस्करी तो नहीं हुई इसकी, कोई टेररिज्म का पैसा तो नहीं यूज हो रहा, तो फॉरेन एजेंसी, प्राइवेट फॉरेन एजेंसीज यूज टू सर्टिफाई, राइट। नाउ वी हैव लॉन्च आर ओन, है ना, और ये वॉलेंट्री अभी स्टार्टिंग में, अगेन फॉर लाइक एनी अदर थिंग, ये वॉलेंट्री है, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं दे कैन गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एजेंसी। इफ यू सी दी नोडल एजेंसीज, वहाँ पे देखिए, द स्कीम विल बी ओवरसीन बाय इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल, ठीक है, ये ओवरसी करेगा। इसके अलावा वी हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, वो ऑपरेटिंग एजेंसी है। कीवर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए, है ना, तो ऑपरेटिंग एजेंसी पूछ रहा है, कौन सी एजेंसी पूछ रहा है वो ध्यान में रखना। एक्रेडिटेशन कहाँ से आ रही है वो भी थर्ड पॉइंट के अंदर गिवन है बच्चे। फर्स्ट ऊपर आइए, सबसे पहले टॉप पे मिनिस्ट्री, ये तो मतलब इजीली गेस किया जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफरिंग वॉलेंट्री थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, ठीक है जी, तो अगर कोई चाहे तो सर्टिफिकेट वो ऑब्टेन कर सकता है, फॉर दैट मैटर कि अगर आप सिर्फ मतलब प्रोडक्ट के लिए भी हो सकती है, या सिंपल रॉ भेज रहे हो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, प्रोडक्ट इन द सेंस कि फर्नीचर एंड ऑल। ये यूएस, यूरोपियन यूनियन, ये बहुत बड़ी मार्केट है इंडियन फर्नीचर्स के लिए, इट्स अ ह्यूज मार्केट फॉर इंडियन फर्नीचर्स। हमारे पास में तो आता ही नहीं है वो अच्छी लकड़ी वाला जो फर्नीचर है, हमारे वही वाले हैं जो झूल नहीं जाते तीन साल में, कि एक साल तक गद्दी बहुत सही रहती है, उसके बाद में सोफ़ा थोड़ा सा ऐसे हो जाता है आपका, और आप जिम ज्वाइन कर लेते हो इस चक्कर में, सोफ़ा इज़ नॉट स्टर्डी इनफ, ठीक है, आप लोग ठीक हो। आइए बच्चे और देखते हैं कवरेज, देखिए इसका, स्कीम कवर्स थ्री मेन एरियाज फॉर सर्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इससे आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। नंबर वन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी फॉरेस्ट की, कि फॉरेस्ट सही से मैनेज हो रहे हैं या नहीं, कॉस्ट वगैरह एनालाइज सही से हो रही है या नहीं। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, प्लांटेशन वगैरह, क्योंकि वहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है ना, उसको आप सस्टेनेबल तरीके से कट करना होता है आपको, और जेस्टेशन पीरियड लगभग 10-10 साल होता है इन प्लांटेशंस का, देखे होंगे आपने पेड़ लगे होते हैं, ये देखे ना प्लांटेशन वाले पेड़ सफ़ेदे के और वो बड़े बड़े, तो वो प्लांटेशन के होते हैं, वो 10 साल के अराउंड काटते हैं उनको, राइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। थर्ड इज चेन ऑफ कस्टडी, कि कहीं पे माफिया तो नहीं इन्वॉल्व था, कोई ओसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग तो नहीं इसमें इन्वॉल्व थी, तो ये सारे सर्टिफिकेशन, ये चीज़ें तीन की एरियाज में, क्योंकि जिस मार्केट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं दे आर कंसर्न्ड अबाउट दीज थिंग्स, उन लोगों ने नेट जीरो का, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का टारगेट उन्होंने बहुत कम कम सेट किए हुए हैं, एंड दे वांट कि वर्ल्ड इसको माने साथ साथ, तो एक ही तरीका है मनवाने का, कि उनसे सामान लेना बंद कर दो अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं, हैंस दिस सर्टिफिकेशन, हैंस उनकी अपनी प्राइवेट फर्म्स वहाँ पे शुरू होगी, राइट, कि हम लोग जाके पता करते हैं कि ये फर्नीचर इसमें ब्लड तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा बाय एनी फॉर्म, ठीक है। बच्चे अदर इनिशिएटिव्स लिख लीजिए आप साथ में, इस पर्टिकुलर चीज के साथ में और इनिशिएटिव, सिमिलर इनिशिएटिव्स और कौन से हैं, अदर इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नंबर वन नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023,
ये सब आपको एक साथ आता हुआ दिखेगा। अब इस वाली मार्केट के अंदर घुस रहे हैं हम, नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 नंबर वन। इसके अंदर नीचे एक दो लाइंस लिख लो, वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन 2004 कॉमा अमेंडेड इन 2014 ठीक। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो हम लिख रहे हैं, मेन टॉपिक से इसका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पर ये अपने आप में फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के नीचे सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट डिविजन्स ऑफ आवर कंट्री। एक और पॉइंट लिख लो इसके बीच में, ये भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड IFMS, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। इज अ पार्ट ऑफ दिस कोड, थोड़ा सा ना आपको लेट मी प्रोवाइड यू सम ब्रेन फूड, थोड़ा दिमाग घूमेगा आपका। इंडिया में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं, हर फॉरेस्ट की अलग नीड है, हमने एक स्टैंडर्ड बनाना है फॉर एवरी टाइप ऑफ फॉरेस्ट देयर इज, समझ रहे हो। तो इसका स्टैंडर्ड इतना बेसिक होना चाहिए कि ये हर टाइप ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर लग जाए, राइट। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट, मतलब लद्दाख के कोल्ड फॉरेस्ट को बचाने के लिए है ना, कोल्ड डेजर्ट वाला जो एरिया है वो वाले फॉरेस्ट को बचाने के लिए, और केरला में जो वेनाड के अंदर घने फॉरेस्ट हैं है ना, और आपके नॉर्थ ईस्ट के जो फॉरेस्ट हैं, राइट, इन सबको बचाने के लिए एक स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का तो मतलब ही वो होता है ना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, हेंस इट इज इम्पॉर्टेंट। आपको इस टाइप के टास्क करने को मिलेंगे वहाँ पे, और कॉन्स्टेंटली इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए मिलेंगे, और लाइक जिसकी रेपरकेशन लंबी रहेंगी। एंड टू टेस्ट दैट आपके दो पेपर लिए जाते हैं सेम डे, एक सुबह एक शाम, ताकि आपका ब्रेन टेस्ट हो जाए कि यार ये वो कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, यार सुस्त तो नहीं हो जाते बीच में जाके, वर्ड दिमाग में मेरे कोई और हो रहा था, आप लोग समझ गए होंगे कि बीच में जाके कहीं लो तो नहीं बज रहा है इनका, कि ऐसे तो नहीं कुछ कुछ बोलने लग जा रहे, राइट। सो यू हैव टू बी एक्टिव फ्रॉम 9 to 5, वो तो लास्ट क्लास में जाके आपको आई थिंक बंसल सर भी बता देंगे कि हम अलाइन कर लेते हैं अपने ब्रेन को उस टाइम के हिसाब से जिस टाइम पे एक्चुअली प्री होना होता है, लास्ट क्लास के 2-3 मंथ्स में, कि आपका जो पीक टाइम है ना आपका, मोस्टली मुझे लगता है कि या तो 11 से 1 के बीच वाला होता होगा या 12 से 2 वाला होता होगा, है ना, पीक टाइम होता है एक ब्रेन की एक्टिविटी का। तो वी वुड वॉन्ट कि वो अलाइन हो जाए आपके प्री के टाइम के हिसाब से एंड योर मेंस के टाइम के हिसाब से, वो नाइट स्टडीज़ को फिर हॉल्ट करना पड़ता है, या हॉल्ट नहीं भी कर रहे पर सुबह उठ के जरूर एक्टिव होना पड़ता है। तो मैक्सिमम टेस्ट वगैरह फिर हम सुबह वाले टाइम पे देना शुरू कर देते हैं, जैसे आपका प्री आई थिंक 10 से 12 के बीच में होता है या 9 से 11, तो हम 9 से 12 वाला टाइम अपना पीक टाइम बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। इसके अलावा ग्रीन GCP, ग्रीन लिख लो अदर, मतलब इनिशिएटिव सेकंड, GCP ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये किसके अंडर है, अंडर मिशन लाइफ, अंडर मिशन लाइफ है ना, इसमें वो वॉलेंट्री एक्शंस को इंसेंटिवाइज करने की बात हुई थी, ये हम कर चुके हैं GCP बाय द वे। इसके अलावा एक और है इको मार्क स्कीम, थर्ड वन इज इको मार्क, ECO, ये लेबलिंग फॉर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वो वाला है ये इको मार्क। कौन सी एजेंसी है इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, एनीवन हु गिव्स द आंसर क्या मिलेगा उसको, चाय वाय पी लेना मेरे, अप्लायंसेस की बात हो रही है ना, लेबलिंग फॉर हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स,
BIS इज अ पार्टनर, मेन एजेंसी, ओवरलुक कौन, एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है इकोमार्क को? BIS पार्ट है उसका, मैंने बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है? टेढ़ा है, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी मैं कॉफी तुम्हें ऑफर कर दी, आंसर तुम लिखते नहीं हो, तुम्हें कॉफियां पिलाऊं है मैं, अरे बेशर्मो। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये किया हुआ है हमने इकोमार्क स्कीम। ये आएगा पेपर में तुम्हारे, इसी यही दो दो नंबर हैं जिनके लिए हम करंट अफेयर्स की क्लास में काम कर रहे हैं, ये वो वाले दो नंबर हैं ये, और तुम्हारी लिस्ट में ना आने के दो नंबर हैं ये, क्योंकि अगर नहीं आते लिस्ट में तो आप दो ही नंबर से रहते हो, मतलब या एक या डेढ़, सबकी कहानी कॉमन ही होती है। हमारे पास बहुत सारे आते हैं ना स्टूडेंट्स, या सी सेट में रह गए, यही है दो बहाने बस, तीसरा कोई एक्सेप्टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा अटैच कर रखी होती है ना पहले ही, रिवीजन नहीं करी होती। आ जाओ चलें आगे, बस बहुत है इसमें, इतना बहुत है। बच्चे इसमें ये भी थोड़ा आसान सा ही टॉपिक है, इस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आइए ज़रा। बच्चे सेवन्थ टॉपिक के अंदर ना एक चीज़ ज़रा और लिख लीजिए आप, हमने वो लिखा था ना इसमें की फीचर्स, सेवन्थ टॉपिक में ढूंढो, मिल गया? अरे रहने तो, चलो ऐसे ही है वो, छोड़ दो, आई एम सॉरी, आ जाओ वाल पर आए, प्लेटू, तो बच्चे कॉन्टेक्स्ट इसका, इस न्यूज में ये है कि यहाँ पे एनुअल माइग्रेशन सीजन चल रहा है एलिफेंट्स का, विच नेक्स्ट पेज पे आइए, जो विच टिपिकली स्टार्ट्स इन सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज अनटिल मार्च, और एलिफेंट से रिलेटेड ना यूपीएससी का थोड़ा फेवरेट टॉपिक रहता है, एंड जो टॉपिक यूपीएससी का फेवरेट रहता है वो कुछ सालों तक स्टेट्स का फेवरेट रहता है फिर, राइट? तो एनीथिंग रिलेटेड टू एलिफेंट्स हम लोग उसको देख लेते हैं, राइट? तो माइग्रेशन पैटर्न के बारे में आपको कुछ पता लग रहा है कि जो माइग्रेशन है वो सेप्टेम्बर और मार्च के बीच में होती है, ठीक है, माइग्रेट फ्रॉम केरला साइड टू वालपराय प्लेटू। वालपराय प्लेटू के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो पूछी जा सकती है आई हैव गिवन देयर एंड देन, नीचे देखिए उसके बिल्कुल ना, लोकेटेड इन कोयम्बटूर तमिलनाडु ऑन अनामलाई हिल्स, ठीक है, हिल्स पूछी जा सकती हैं आपसे कि ये प्लेटू कहाँ किस का किस जगह पे है, ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि तमिलनाडु बोल दिया और वेस्टर्न घाट्स, राइट? ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, कि कंफ्यूजन पॉइंट कैसे जनरेट होगा उधर, कि आपको पता है दिमाग को आपके कि तमिलनाडु आपके इस तरफ पड़ रहा है, राइट, है ना? शेयर्स बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है तीन आपके टाइगर रिजर्व, दो टाइगर रिजर्व और एक नेशनल पार्क, राइट? इसको बच्चे एक बार ना प्लीज साइड पे आप लिख लीजिए कहीं पे, सी ऑन मैप, इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लगा के देख लेना, और ये बेयर मिनिमम काम है, इतना ही करना है बस आपको, एंड लेट मी रिफ्रेश, इतना करना है आपको, ठीक है? हाँ, और क्यों ये न्यूज़ में आया है बच्चे, बिकॉज अगर आप पिछले पेज पे आएंगे, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड एनजीओज लोकल रेजिडेंट्स आर टेकिंग मेजर्स टू फैसिलिटेट द फ्री मूवमेंट ऑफ एलिफेंट्स,
यानी कि यहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, राइट? और क्यों देखने को मिलता है, दैट इज अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, वाल प्राय प्लेटो का जो फोर्थ पॉइंट है, द रीजन कंप्राइज ऑफ टोटल ऑफ 56 एस्टेट्स, प्राइमरली टी एस्टेट्स, ठीक है जी? दैट मीन्स कि यहाँ पे एनिमल अगर आएगा, अगर एलिफेंट आएगा, दैट मीन्स थोड़ा नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं और कॉन्फ्लिक्ट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट? हैंस दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, हैंस द प्लेटो इज इम्पॉर्टेंट, लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट. सेकेंड लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, इट इज़ अ माइल्ड ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, AM, राइट? इसको भी आप हाईलाइट कर लेना, अगर वाल प्राय प्लेटो के ऊपर अगर कोई सवाल आएगा, अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड होगा तो ये वाली स्टेटमेंट आपको वहाँ देखने को मिलेगी. एंड दे माइट चेंज इट टू फॉरेस्ट, AF वगैरह कर सकते हैं वो, है ना, चेंज कर सकते हैं इसको, तो जस्ट बी केयरफुल ऑन अबाउट दैट. एलिफेंट्स के ऊपर हम पहले ट्रिप कर चुके हैं ना, काफी ले आए ना हाथी की राइड एक बार, तो हाँ मैं आपको कुछ कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, जोन जोन से नए लगेंगे लेट मी नो, विल राइट इट, ठीक है? सो इट इज द नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया. लिखना है क्या, लिखवा रखा है ना ये पहले, ये आज तो नहीं लिखा ना हमने? हाँ, इतनी भी खराब नहीं है मेरी मेमोरी. हाँ, 3 घंटे का बफर टाइम तो है. इट्स अ CCTV विच री रिकॉर्ड्स आफ्टर 3 आवर्स. की स्टोन स्पीशी, ठीक है बच्चे. 60% ऑफ ग्लोबल एशियन एलिफेंट्स लिव इन इंडिया. कर्नाटका हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स, फॉलोड बाय असम एंड केरला. ये कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट नंबर? ओ अच्छा, रिवीजन. नाइस, शी हैज रिवाइज्ड. हाँ ठीक है, कर्नाटका फॉलोड बाय असम एंड केरला. एंड इसके अलावा देर इज अ माइक प्रोग्राम, वो भी लिखा हुआ है. माइक साइट्स भी लिखी हुई है, बाकी सबके पास में डॉक्यूमेंट है. आ जाओ फिर अगले टॉपिक पे, ये इंपॉर्टेंट है, हाथी के ऊपर राइड करने निकल जाना है एक बार, ये याद कर लेना सारी चीजें. इंडिया ओमान जॉइंट विजन पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर. ठीक है, तो ओमान बाय द वे इज द ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया इन द मिडिल ईस्ट. ठीक है, ये दिस इज द वन जिसने सारे रिलेशंस को शुरू करवाया था. इंटरलोक्यूटर है ये, अगर मैं वर्ड सही बोल पा रहा हूँ तो, है ना? तो ये ओमान ने उस चीज़ का काम किया था, ये मिडल मैन, राइट? तो ओमान और इंडिया के रिलेशंस हमेशा से ही सही रहे हैं. एंड नाउ वी हैव अ जॉइंट विजन पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर, जिसके अंदर वी हैव 8 to 10 एरियाज जहां पे हमने पार्टनरशिप को इंक्रीज करने की बात करी है, राइट? आई हैव लिस्टेड डाउन मेजर, है ना, जो कि हमारे मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आ सकता है. प्री पॉइंट ऑफ व्यू जो काम में आएगा, दैट इज आपका या तो ओमान की ज्योग्राफी के ऊपर सवाल आ जाएगा, या फिर बायलेटरल रिलेशन के ऊपर कुछ कुछ सवाल आ जाएगा, वो भी आपका इसी में से निकल जाएगा, राइट? आइए बच्चे डॉक्यूमेंट देखिए. मतलब ओमान को ना पिलर कहा जाता है हमारी इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी का, राइट? हम बाकी जगह भी काफ़ी डील करने की कोशिश करते हैं, ईरान के साथ भी ठीक है ना, इसराइल के साथ भी ठीक है, राइट? बट ओमान इज़ दी वन जो इसको हम पिलर मानते हैं हमारे वहाँ की रिलेशन का. एक तो वो बिल्कुल बीच में है, उसके एक तरफ सऊदी है, एक तरफ यमन है, एंड देन वी हैव नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक मेजर कंट्री UAE, उसके साथ भी रिलेशन अच्छे हैं. बट ओमान इज़ दी वन जिसके साथ में ये सारे रिलेशन शुरू हुए थे. मिडल मैन जो हमारा है वो ओमान है, हमारा दोस्त. आइए बच्चे, कॉपरेशन वहीं पे ऊपर 8 to 10 एरियाज इंक्लूड्स मेरीटाइम कॉपरेशन, कनेक्टिविटी, एनर्जी, सिक्योरिटी, मतलब बेसिकली एवरीथिंग,
जिस जिस में डील किया जा सकता है, ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड हैं, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, एवरीथिंग। बच्चे इकोनॉमिक रिलेशंस में आइए आप, इसमें सारे इकोनॉमिक रिलेशन आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है ओमान के साथ में। नंबर वन, एक तो हमने एमओयू साइन किया है, वही पेमेंट्स वाला जो यूएई के साथ में किया था वो यहां पे भी हुआ है विद ओआईजीआईएफ। देन देयर इज अ इंक्रीज ऑफ बायलेटरल ट्रेड ऑफ अबाउट 90% एंड विच इज फेवरेबल फॉर इंडिया ऑल्सो। इंडिया ओमान के लिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर ओमान क्रूड ऑयल, दैट्स वाई फेवरेबल है ना, वहाँ से क्रूड ऑयल अगर आ रहा है मतलब हम रिफाइन करेंगे। एक्सपोर्ट और मेजर इंपोर्ट आइटम्स आई हैव गिवन यू द लिस्ट नीचे, राइट। तो ये आपके लेवल पे आपको थोड़ा सा इंडिया ओमान का रिलेशन समझने में हेल्प करेगा, एंड डिपेंडिंग ऑन दीज पर्टिकुलर स्टैट्स आप कोई भी मेंस का सवाल इसके अराउंड नेविगेट कर सकते हो। देन वी हैव डिफेंस कोऑपरेशन, सेकंड पॉइंट देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ये बात बोल रहा था कि पिलर है। ओमान इज द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू कंडक्ट एक्सरसाइजेस विद ऑल विंग्स ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। कैन यू नेम देम? यू प्रोबेबली हैव हर्ड देम। हाँ हाँ, एक्सरसाइज का नाम क्या है? वो नसीम अल बहार, सुना होगा आपने, लैंड, वो सी ब्रीज, ईस्टर्न ब्रिज, लिख लें यहाँ पे साइड पर, लिख लो बच्चे ताकि ढूंढनी ना पड़े आपको। अल नजा, ए एल स्पेस एन ए जे ए एच, ब्रैकेट में लिख लो आर्मी, अल नजा आर्मी, नसीम अल बहार, एन ए एस डबल ई एम स्पेस ए एल स्पेस बी ए एच आर और सी ब्रीज। नेवी एंड लास्ट इज ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स। आपकी क्लास है क्या 4-3 बजे भी? कितने बजे होगी? 4 बजे, 5 बजे आज? अरे गुड यार, अब बोल दिया तुम लोगों ने, देखो वो 1 घंटा है ना, तुम बना के खा सकते हो 1 घंटे में और लेके आ सकते हो उससे पहले चूल्हा भी। 1 घंटा 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं। ऐसे एटीट्यूड था तो मेरा भी खड़े होने का मन नहीं करेगा यहाँ पे 4 बजे तक। आए बड़े तुम लोग, आ जाओ लिखो की फैक्ट्स अबाउट ओमान, लिख लेते हैं। बॉर्डर कंट्रीज ऐसे लिखते हैं इसको ना, डिवाइड कर करके लिख लेते हैं कि बॉर्डर कंट्रीज, रिवर कौन सी है, डेजर्ट कौन सा है। बॉर्डर कंट्रीज सब पॉइंट्स बना के लिख लीजिए, यूएई टू द नॉर्थ वेस्ट, यूएई टू द नॉर्थ वेस्ट, सऊदी अरेबिया वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, यमन टू साउथ वेस्ट,
डेजर्ट क्या रबड़ी फलूदा बोलते पता नहीं कैसे हैं इसको, पर रूब अल खाली ये नाम है इसका, आर यू बी एपोस्ट्रॉफी ए एल खाली के एच ए एल आई या खली मतलब जो भी, और द एम्प्टी क्वार्टर। तो ये भी आपके पास सवाल आ सकता है कि कौन सी कंट्री के अंदर है एम्प्टी क्वार्टर डेजर्ट, ठीक है, इट्स इन ओमान। रिवर नो पेरेनियल रिवर, नेक्स्ट लिखिए इसी में लिखिए वादीज डब्ल्यू ए डी आई एस ब्रैकेट में लिख लो सीजनल रिवर बेड्स, ठीक है, और ये नाम लिख लो कि कौन सी वादी है यहां पे, इट्स वादी बनी खालिद डब्ल्यू ए डी आई स्पेस बी ए एन आई स्पेस के एच ए एल आई डी। तो अगर ऐसे पेरेनियल रिवर नहीं है सीजनल, जैसे ये वादीज हैं सीजनल रिवर बेड्स हैं, तो इसमें ना छोटे छोटे लेक के पैचेस फॉर्म हो जाते हैं, जब नहीं फ्लो हो रहा तो थोड़ा सा पैच यहाँ बन गया, थोड़ा सा पैच वहाँ बन गया, तो ग्रीनरी उस हिसाब से आ जाती है, एंड हेंस बाय द वे इट इज़ वेरी सीनिक ऑल्सो, ये जो वादी बनी खालिद है ना, बानी खालिद है जो भी, इट्स वेरी सीनिक। माउंटेन भी लिख लो, माउंटेन बेसिकली हाईएस्ट माउंटेन लिखेंगे हम, जेबेल शम्स जे ए जे ई बी ई एल एस एच ए एम एस, दो वर्ड्स हैं ये, ब्रैकेट में लिख लो विद इन अल हजार माउंटेन रेंज ए एल स्पेस एच ए जे ए आर अल हजार माउंटेन रेंज। इज अ मेंबर ऑफ जीसीसी, इज अ मेंबर ऑफ जीसीसी, ठीक है। ये वजह जीसीसी के ऊपर ना एक सवाल आ चुका है ऑलरेडी, मतलब अगर ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो नॉट वाला ही पूछा जाता है ऑल द टाइम कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और इक्वल वेटेज वाला सवाल है ये, जो बड़े बड़े सवाल है इसमें चार पांच स्टेटमेंट्स होती हैं, है ना, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड से सवाल होते हैं, इसके लिए ही तैयार हम साथ साथ में करते हैं खुद को, राइट। तो जो भी इस टाइप का टर्म आता है कि यूएई में कितने रीजन्स हैं, है ना, और ये फलाने ग्रुप में क्या कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो थोड़ा सा ना मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि इंट्यूशन देखा करो कि कौन सी कंट्री होनी चाहिए थी नहीं है, तो अब उसी में कन्फ्यूज़ हो गए, तो ये ईजी क्वेश्चन में फॉल करेगा जस्ट अगर आपने थोड़ा सा भी इसको ढंग से पढ़ा होगा, राइट। जीसीसी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख लें क्योंकि ये काफी पुराना हो गया है सवाल, ये 2016 का है, अब जीसीसी दोबारा एक्टिव हो रहा है। हाँ भी डॉक्यूमेंट 1 to 10 में था जीसीसी, जीसीसी है उसमें भी, कंट्रीज का नेम है, राइट, फॉर्मेशन ईयर वगैरह भी है उसमें, कि सिर्फ कंट्रीज का नाम लिखा था, लिख ले कंट्रीज का नाम लिखा था, फॉर्मेशन ईयर नहीं लिखा था, लिखवाया था कि 4 बजे जाने के लिए बोल रहे हो अच्छा ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कोई ऐसा है क्लास में जिसने पहले 10 डॉक्यूमेंट्स के बाद में क्लास ज्वाइन की हो? आई थिंक यहाँ तो सारे पुराने चेहरे ही हैं,
अच्छा आपने भी बेसिक बेसिक लिख लेते हैं फटाफट, अलाउ मी 30 seconds राइट, बाकी लोग लिख लो बच्चे, GCC शॉर्ट में लिखते हैं, फॉर्म्ड इन 1981 इज एन, सेकंड पॉइंट इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन comprising of all Arab countries of the Persian Gulf except Iraq. Persian Gulf. Iran उसका member नहीं है, पर मैंने आपको बोला Arab countries of the Persian Gulf. मैं मैप लाना यार, उसमें लगाना चाहिए था, मैप से क्लियर हो जाता है. द मेंबर्स कंप्राइज तीन कैटेगरीज में मेंबर्स डालते हैं इसमें, नंबर वन टू एब्सोल्यूट मोनार्कीज, ये ऐसे करो यार इसको, नंबर वन पे करिए वन फेडरल मोनार्की UAE, सेकेंड पे लिखिए टू एब्सोल्यूट मोनार्कीज सऊदी अरेबिया ओमान, थर्ड इज थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज, कतर बहरेन कुवैत, ठीक है 1 2 3 ठीक है. तो थोड़ी ट्रिक भी मिल गई आपको याद करने को, 1 + 2 + 3 आ जाओ जी आगे. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन राइट, उसके अंडर में देर इज दिस कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसको रैट्स बोला जाता है. इफ यू सी द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक राइट, इसको करते हैं ढंग से. रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है जी. तो एक तो सवाल यही बनेगा कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इज अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी. इस सवाल सिंपल बनेगा इसके ऊपर, इट इज अंडर SCO, ये याद रखना है. ज्यादा चूहे कहां पे हैं, शंघाई के अंदर. कुछ भी करो टेढ़ी मेढ़ी चीज, इसमें याद रखना है आपने बस. अच्छा लेट ये आप पढ़ लेना बच्चे अपने आप पे, एक एक्सरसाइज हुई थी एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज एंड टू सप्रेस द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, तो ऑनलाइन एक्सरसाइज टाइप की चीज थी ये राइट. हमारे लिए SCO थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आई विल गिव यू द प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स, ठीक है. क्या मकसद था SCO बनने का, क्यों एग्जिस्ट करती है इस टाइप की चीजें, वो हमारे पास अभी टाइम थोड़ा सा कम है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग राइट. हम SCO के ऊपर मेन मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं, मे बी इन सम अदर क्लास जब SCO दोबारा आएगा विल डिस्कस कि क्यों ही बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, घर में क्यों नहीं बैठ रहे हम आराम से. Established on June 15, 2001. ये हिमाचल वाले डेट याद कर लो. Established on June 15, 2001. कहाँ पे हुई होगी, शंघाई चाइना.
इट्स अ सक्सेसर टू एनीवन हु नोज कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन को इसने सक्सीड किया था. इट्स अ सक्सेसर टू शंघाई 5. इट्स अ सक्सेसर टू शंघाई 5, ब्रैकेट में लिख लो, फॉर्म्ड इन 1996. बिटवीन चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान. चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, KYRGYZSTAN, रशिया एंड तजिकिस्तान. Has two permanent bodies. Secretariat in Beijing. RATS, Regional Anti-Terrorist Structure. RATS in Tashkent. Kahan hai Tashkent? ये तुमने दो तीन नाम मिक्स कर दिए. तजिकिस्तान बोलना चाह रहे हो, उसमें नहीं है. देखो जरा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये उज़्बेकिस्तान में है. उज़्बेकिस्तान में ही है. कर लो यार कंफर्म फटाफट. इतने कॉन्फिडेंस से उस बंदे ने गलत आंसर दिया है कि मेरे को डाउट हो गया है. देखना ताशकंद कहाँ है. आई थिंक इट इज़ इन उज़्बेकिस्तान. उज़्बेकिस्तान, हाँ उज़्बेकिस्तान. एक तो कजाकिस्तान और तजिकिस्तान को मिक्स करके बोल रहा है. तजाकिस्तान. थ्री ऑब्जर्वर स्टेट्स. इट हैज थ्री ऑब्जर्वर स्टेट्स. अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया. उसको भूल जाते हो बीच वाले को. पता है मंगोलिया की थ्रोट सिंगिंग कितनी अच्छी है. डिड यू हियर? हाँ, आया मजा देख के. इंडिया में भी तिब्बतन सिंगिंग के कुछ स्टाइल्स वैसे हैं. एंड इफ यू गो टू काजा हिक्किम वाली साइड पे, यू कैन इजीली फाइंड such art. All right. So, happy new year in advance to each one of you. Thoda, let's try and improve ourselves, right? ठीक है. तो revision का क्या रहेगा अपना अब? Document? 11 to 15, right? ठीक है. और जिन लोगों ने पहले वाले नहीं किए, I would suggest कि you also do that. ज़्यादा टाइम लगेगा. यू जस्ट हैव टू स्पेंड हाफ एन आवर पर डे एक्स्ट्रा, राइट? ठीक है. ऑनलाइन ऑल्सो थैंक यू सो मच. ठीक है, वो अपने आंसर्स वगैरह यहाँ पे रख दो. और ऑनलाइन बचे, आपके आंसर्स वगैरह एवेल्युएट हो गए थे कल रात तक ही, सारे कंप्लीट हो गए थे. स्टिल अगर किसी ने कल रात के बाद भेजा है तो वो आपको भी थोड़ा सा टाइम रुक के आपको मिल जाएगा. रेस्ट ऑफ यू प्लीज़ सबमिट योर आंसर्स. ऑनलाइन थैंक यू सो मच. सो दैट इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रिलिम्स और मेन्स में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएँ. अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ. लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024.
इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीजें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फर्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबॉडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट, यू गेट वीकली पीडीएफ्स. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है. लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट. जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट. दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिस इज द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो. अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट. जिद से जीत तक.